हे, ये क्या पहना रही हो? हर बात पर हाथ उठाने वाले मेरे एक लौते हीरो के लिए है ये, याद रखना मुझे। हे, सुनो मेरी जान, तुम अपने पापा की चमड़ी की रस्सी बनाकर पहनाओगी तब भी तुम्हें याद रखूंगा। जिस तरह से तुम बोलते हो ना, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, तुम मुझसे शादी कब करोगे बोलो? पहले तुम दूर हटो। जीवा, मुझे किस करो ना। मैंने कहा ना दूर हटो। प्लीज ना। छोड़ो मुझे। एक किस दे दो ना। क्या है दामाद जी, मेरी बेटी तुमसे जल्दी शादी करने को कह रही है? नहीं पापा, जीवा मुझसे किस मांग रहा था, लेकिन मैंने इसे मना कर दिया। वो जो मांग रहे हैं उसका कोई कारण होगा, दे दो बेटी। अरे ससुर जी, ये झूठ बोल रही है, मैंने इससे कुछ नहीं मांगा। पापा, इसका विश्वास मत करना, झूठ बोल रहा है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोल रहा है कि 3 महीने में तुम्हारा कॉलेज खत्म हो जाएगा और हम पापा को बिना बताए दोनों लोग सगाई कर लेते हैं, और ये ना आपको गाली भी दे रहा था पापा। अरे झूठी कहीं की, ऐसा कहा दामाद जी? ससुर जी, ये जब से कॉलेज गई है तब से झूठ बोलना बहुत सीख गई है, इसका पहले कॉलेज जाना बंद कराओ और इसे घर का सारा काम सिखाओ। तुम्हारी नाक को चिमटी से दबा दूंगा, बेवजह उसे परेशान कर रही हो। तुम अपनी पढ़ाई खत्म करो, अच्छा सा मुहूर्त देख के तुम दोनों की शादी करवा दूंगा। अभी पापा को भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। खाना खा ले दामाद जी? अभी तक नहीं खाया। चलो चलकर खाना खाते। अब मजा आया ना, आओ। अरे बाद में उंगली दिखाना। आज क्या स्पेशल खाने में बनाया? पापा, आज चावल नहीं है, चपाती बनाई है, और आपको जैसा पसंद है वैसा ही सांबर बनाया है। चलो ससुर जी, इसका विश्वास मत कीजिए, अभी उसने मुझसे बोला कि मेरा जो मन पसंद है वो है सांबर। ये जब मुंह खोलती है ना पूरा झूठ ही बोलती है, देखा कैसे फंसाया। बचपन में जब तुम्हें गोद में उठाकर चपाती में शक्कर लगाकर खिलाता था तो तुम बोलते थे कि सांबर दो सांबर दो। उसने किसकी पसंद का सांबर बनाया मुझे पता नहीं है क्या? दो दो चार होते हैं, इसके लिए कैलकुलेटर चाहिए क्या? दोनों मिलकर मेरा मजाक उड़ा रहे और मुझे बेवकूफ बना रहे हो हैं। जो भी हो दामाची, तुम दोनों की अच्छे से शादी करवा दूं बस, फिर पोते की शक्ल देखकर मेरा ये जीवन पूरी तरह से धन्य हो जाएगा। ससुर जी आपने फिर शुरू कर दिया, मैंने आपको कितनी बार कहा है खाना खाते वक्त रोया नहीं करते। ससुर जी, आपने अपने शरीर को इतना फिट रखा है कि आप 50 साल और अच्छे से रह सकते हो। ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ, एक लगाऊंगा ना सब ठीक हो जाएगा। ससुर जी, मेरे लिए सब कुछ तुम ही हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं सच में सहन नहीं कर पाऊंगा। देखो आपका शरीर कितना पतला हो गया है। किसका? मेरा? अरे अभी तो तुम 1 मिनट पहले बोल रहे थे कि तुम्हारा शरीर एकदम फिट है और 40-50 साल और जियोगे, अचानक से मेरा शरीर पतला कैसे हो गया? तुम दोनों कुछ तो आपस में मेरा मजाक उड़ा रहे हो। इसी तरह हंसते रहना चाहिए, और आप ऐसे ही हमेशा हंसते रहो, और इसी में हम दोनों की खुशी है। चपाती बहुत अच्छी बनी है, खा लो नहीं तो ठंडी हो जाएगी। क्या हुआ, पापा की तरह रो क्यों रही हो? डर गए क्या जीवा? छोड़ो, छोड़ दो मुझे,
सिस्टर जी सर जीवा कहाँ सीधे जाके मिल अच्छा। जाइए ये क्या कर रहे हो तुम्हें चलने फिरने की जरूरत नहीं है संभल कर मुझे अपने ससुर और दिव्या से मिलना है आई एम सॉरी जीवा यार रो मत जीवा ये क्या कर रहे हो जीवा मैं जो कह रहा हूं वो सुन तुम अभी चल फिर नहीं सकते हो जीवा क्या करना है मेरे ससुर और मेरी दिव्या दोनों कहाँ है अब वो दोनों जिंदा नहीं है चलो जाओ जाओ जब वो लोग अंदर आए थे तो कुछ बातें कर रहे थे क्या उन लोगों को इससे पहले कभी देखा था तुम्हारे ससुर जी मरते वक्त तुमसे कुछ बोले थे क्या मेरे ससुर और दिव्या दोनों मुझ पर विश्वास करते थे कि मैं उनकी जिंदगी बना दूंगा उस लड़की का कितनी बार रेप हुआ था बेचारा कितना दर्द में है अभी पूछने की जरूरत नहीं है बाद में आके पूछते हैं संभल कर यार सॉरी यार जीवा सॉरी यार हे पापा 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 अरे क्या है बेटी पापा बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है मोटर चालू कर लो बेटी हाँ गुड आइडिया हाँ।
ससुर जी, ससुर जी, ससुर जी, ये दोनों सोने नहीं देंगे। क्या चाहिए दामाद जी? ससुर जी, टैंक भर गया और सारा पानी नीचे जा रहा है। मोटर बंद कर दो दामाद जी। ओके ससुर जी। ससुर जी, ससुर जी, ससुर जी, सोने नहीं दोगी क्या बेटी? पानी नहीं आ रहा है या ओवर हो गया है? क्या तकलीफ है? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। खाओ खाओ खाओ। पापा, मैनी मोर हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे ससुर जी। थैंक यू दामा जी। तुम्हारी सासू माँ दिव्या को जन्म देकर मेरे हाथों में देकर चली गई। अभी जो तुमने किया है उसे देखकर मुझे पुरानी बातें याद आ रही हैं। सुपर गिफ्ट है दामाची। जाओ पापा, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। क्यों बेटा? आप मुझसे ज्यादा इसे प्यार करते हैं। तुम दोनों के अलावा मैं किससे ज्यादा प्यार करूंगा? तुम दोनों मेरे लिए एक ही हो। लेकिन तुम्हें मुझे पापा कहने से पहले ये मेरे कंधे पर खेला कूदा करता था। ए, ऐसे रोगी तो कैसे चलेगा? इस तरह रोने से मरने वाला वापस आ सकता है क्या? सुनो, थोड़ी कॉफी पी लो ना। सुनो, इसकी हालत अभी ठीक नहीं है, इसे क्यों परेशान कर रही हो? ये बिना खाए पिए जिएगा कैसे? मैं आपके जैसी नहीं हूँ, आप चुप रहिए प्लीज। सर, चल सच बता, सच बता मुझे, बता, इतनी चोरी की है तूने? आ जाओ। उस आदमी को हम लोगों ने पकड़ लिया है, वहाँ चोरी करके एक जगह पे छुप गया था ये, कल रात को ही अरेस्ट किया है, अपना गुनाह कबूल कर लिया है। इसे तो गोली मार देनी चाहिए थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, कानूनी तरीके से चलना पड़ता है ना। मुझे उसे देखना है। हाँ हाँ, ये लो, यहाँ पे साइन करो। आदि सर, सर प्लीज सर, नशे में गलती कर दी सर, माफ कर दी सर, प्लीज सर, प्लीज। अगर तेरी मार की वजह से वो मर गया ना, तो ऊपर वालों को क्या जवाब दूंगा मैं? सर, ये वो नहीं है, उन तीनों का चेहरा मेरी आंखों के अंदर बसा हुआ है। मार खाने की वजह से तुम भूल गए हो, यही है वो, इसी ने तुम्हें मारा, तुम्हारे ससुर को भी मारा, तुम्हारी मंगेतर का रेप करके इसी ने मारा। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारे घर के अंदर मिले हुए फिंगरप्रिंट्स, डीएनए रिपोर्ट 100% मैच हो रहा है इससे। सर, सिर्फ इतना ही नहीं, यही गुनहगार है, डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी यही बोल रहा है। सर, आप ये गलत कर रहे हो सर। क्या गलत कह रहा हूँ मैं? ए, यही तो ट्विस्ट है, तूने ही कबूल करके साइन किया है। जा रहे। यार, कुछ दिन तक तुम यहाँ पर अकेले मत रहो। अरे दोस्त, तू मेरे घर पर चल, हम लोग तेरा अच्छा ख्याल रखेंगे। दोस्त, तू सिर्फ एक बार हाँ कर, पुलिस स्टेशन के सामने खड़े होकर नारा लगाएंगे। Thank you.
जो प्यार से रहते थे वो जा चुके हैं, जो हिम्मत वाले होते हैं वो खुद को संभाल लेते हैं। अच्छे से रहना तुम, बहादुर बनकर रहना मेरे दामाद जी। विक्टिम का नाम अनामिका, एज 26। विक्टिम मरने से पहले अपनी जान को बचाने के लिए बहुत लड़ी होगी। इसके अंदर कुछ ना कुछ जानकारी मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्लू है। अब देखो कैसे मिलती है इंफॉर्मेशन। सी यू ऑल टुमारो। मार्टिन, सच में अमेरिका जा रहे हो क्या? हाँ भाई, 5 साल बाद जा रहा हूँ। तुम्हें भी पता है ना, शी इज जस्ट ऑफ 22। पर क्या बताऊँ यार, शी लव्स मी सो मच कि उसके लिए सब कुछ छोड़कर अमेरिका जा रहा हूँ और वहीं पर सेटल होना है। यही प्लान है। बहुत बढ़िया। डॉक्टर मार्टिन? यस। ए मार्टिन, यू कैरी ऑन। बोलिए। मेरा नाम जीवा है। दिव्या और उसके पापा की रिपोर्ट के बारे में आपसे बात करनी है। अब क्या हुआ? सही रिपोर्ट दे दो सर। एक्सक्यूज मी, मैं पिछले 20 सालों से इस प्रोफेशन में हूँ। रिपोर्ट कैसे बनानी है ये तुम सिखाओगे मुझे? आप ही जान को बचा सकते हैं। अगर एक सच्चा आदमी मर गया तो उसे कौन सजा देगा सर? प्लीज सर, प्लीज सर, सर प्लीज, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। सुनो, अगर रिपोर्ट में डाउट है तो कोर्ट जाओ, केस करो, देख लूंगा, लेकिन यहां आकर ड्रामा मत करो। क्या कर रहा है? छोड़ दे। क्या रे, गवर्नमेंट डॉक्टर के ऊपर हाथ उठाता है? डॉक्टर, कानून के हिसाब से आपने जो किया वो गलत है। दूसरे के ऊपर केस डालने के बजाय अगर इसके ऊपर डाल दे तो हमें 1 लाख का फायदा भी होगा। अब देखिए, उस आदमी को हमें ही जमानत पे लेना होगा। उसकी जगह ये होता तो अंदर डाल के मार डालते इसे। बाबू, किस बात का गुस्सा है? गुनहगार को छुपा दिया इसी बात का? यही बात है ना? अभी तो कानूनी तौर पर काम करने पर महीने की सैलरी मिलती है, और अगर कानून के मुताबिक नहीं किया तो 10 साल की सैलरी, प्रमोशन, अवार्ड, रिवॉर्ड और भी बहुत कुछ मिलता है। इसलिए इस केस को इधर ही छोड़ दे, नहीं तो अगर दिमाग खराब हुआ तो मेरे हाथ के मौत की रेखाएं तुम्हारी किस्मत बन जाएगी, समझा? आज के बाद दिखाई मत देना, चल निकल। थोड़ा सा बच गया नहीं तो मर जाता आज। ए, मरने के लिए तुझे मेरी गाड़ी मिली थी क्या? हाँ, शकल से तो तू शराबी लगता है। युवे, मेरी गाड़ी क्या गया? और मारो। चलो, चल रहे।
भाई आ रहे हैं उनको बता दिया क्या? हाँ, बोल दिया भाई। अच्छा लड़का है। हाँ, बहुत उनके अच्छा। साथ जो हादसा हाँ। हुआ ना, उसके भाई को बहुत तकलीफ हो रही है। अच्छा। इस वक्त भाई अगर उनसे मिलेंगे तो उन्हें बहुत हिम्मत मिलेगी। भाई सही कह रहा हूँ ना? हाँ बिल्कुल सही है, मैं उन्हें जाकर बुलाता हूँ। हाँ ठीक है जाओ। लगता है घर पर कोई नहीं है, फोन करके देखता हूं। भाई पूरी रिंग जा रही है लेकिन फोन नहीं उठा रहा। तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ काम के लिए तुम लोगों ने जल्दी नहीं बुलाया तो नहीं जाऊंगा मैं। भाई सिंधादरी पेटे जाना है। हाँ साहब चलूंगा, बैठिए आइए। नमस्ते भाई, मैं हूं अक्टू, आ जाओ। अरे हट, मुझे भी पानी भरना है। अरे ये क्या कर रही है? सारा पानी तो नहीं भरना है क्या? हटा बाल्टी यहाँ से। हाँ हाँ। ए रुक जल्दी हटा, आ रही हूँ। हाँ हाँ इधर ला, इधर ला। ये लेना खाना खाना। ए ज्यादा जोर से मत भागो। मुझे एक रोटी और चाहिए। हाँ ठीक है ठीक है। इस तरफ चुपचाप बैठ के खाना खाओ। हाँ ज्यादा मस्ती मत करो, ये चुपचाप बैठ के खाओ ना तुम भाई। हाँ पार्टी मेरी पहचान वाली है, आपके लिए काम लेकर आया हूँ। तोड़ना या खत्म करना है? भाई को काम बोलो। 5 लोगों का खून करना है। हो जाएगा। वो 5 लोग कौन है? इंस्पेक्टर रामनाथन, डॉक्टर मार्टिन आनंद और 3 लोगों को अभी ढूंढना बाकी है। हे हाँ भाई, दीदी के पास जाके शर्ट लेकर आओ। हाँ ठीक है भाई। कहाँ से पकड़ के लाए इसे? बहुत बड़ी पार्टी है भाई, आपने देखा नहीं, पूरा बैग पैसों से भरा है। इसकी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पहले जगह खाली करो। हे जाओ यहाँ से। ए भाई जाने के लिए बोला ना, जाओ जाओ भाई। अरे जाओ ना भाई, चलो जाओ। हे अक्टू,
ठीक छोड़ करा। कागज इधर दो। ये लीजिए सर। ठीक है तुम लाओ। थैंक यू सर। सर आप ठीक तो है ना सर? सर वो कौन था? उठिए सर। कौन था सर वो? आराम से चलिए आइए। क्या रॉयल, तूने मुझे खत्म करने का प्लान बनाया? अभी मेरे पर शक कर रहे हो? सामान मेरा है लेकिन लड़के मेरे नहीं है। लेकिन तेरा हथियार उसके हाथ में कैसे पहुंचा? वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है सर। अपने लड़कों से पूछ लिया, कोई भी नहीं है उसमें। एक हफ्ते पहले मेरे पास एक लड़का आया था, वो कह रहा था आपको एक डॉक्टर और भी तीन लोगों को खत्म करने के लिए बोल रहा था। वो दिखने में कैसा था? बहुत ही मासूम दिख रहा था। वो ऐसा करेगा लगता नहीं है। तू क्या करेगा नहीं करेगा मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन वो मुझे जिंदा चाहिए। मुझे मौत का डर दिखाने वाला मेरे हाथों से ही मरेगा। अरे सर मुझे बहुत सारा काम है, मुझसे नहीं होगा। ए सुन, तूने ही उसे देखा है? 24 घंटों के अंदर उसे ढूंढ के मेरे सामने लाके खड़ा कर, वरना तेरी पुरानी फाइलें ओपन करूं क्या? वो जिस तरह मेरे पास आया था उसी तरह कई लोगों के पास गया होगा। फिर भी जब तक वो मिल नहीं जाता आप अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? भाई देखने में तो बहुत बड़ा आदमी लग रहा था भाई, इसलिए मैं आपके पास लेकर आया। जैसे भी करके उसे ढूंढ निकाल, नहीं तो मार डालूंगा तुझे। ठीक है भाई, चल जा। ए, रुक 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 रुक, चल चेहरे से रुमाल हटा। क्यों सर? सर ए रुमाल उतार। तेरा लाइसेंस कहाँ है दिखा? पर्स में है। ए छोड़ दे इसे। ठीक है, जा। भाई वो कहीं नहीं मिला। भाई तू उसे क्यों लेकर आया था मेरे पास? कैसे भी करके उसे ढूंढ निकाल, नहीं तो जान से मार दूंगा तुझे। चल जा।
रुक जा, हेलमेट निकाल, लाइसेंस निकाल, चल। क्या निकाल रहा है? सर, लाइसेंस निकाल रहा हूँ सर। ओके सर। भाई वो तो वहां पर भी नहीं है। क्यों लेकर आया था मेरे पास? दिमाग खराब कर दिया मेरा, जा ढूंढ से। इतनी रात में कहां से आ रहा है? फ्रेंड के घर से आ रहा हूं सर। गाड़ी में बैठ। हे इधर आ, देख क्या रहा है, गाड़ी में बैठना। चल गाड़ी में बैठ, जल्दी बैठ, जल्दी जल्दी। चल आजा उधर जाके बैठ, चल चल चल। अरे मणि, कितने लोग मिले? पांच लोग ही मिले। पांच? लेकिन हमें तो और लोग चाहिए ना। अरे सर आप टेंशन क्यों ले रहे हैं सर, पकड़ लेंगे बाकी को। सर आपके लिए बिरयानी बोल दूं क्या? सिगरेट भी लाने को बोल। मैं खुद ही लेकर आता हूँ सर, ठीक है? ओके सर। सर मैं सर के लिए बिरयानी बोलने जा रहा हूँ, ठीक है? जाओ। ए चलो। क्या भाई मुंह से खून आ रहा है, इन लोगों ने तुम्हें मारा है क्या? हवा 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 हवा। सर ये लीजिए स्पेशल बिरयानी सर। हवा 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 हवा। सर स्पेशल बिरयानी सर। हवा 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 हवा। ए अमिताभ, मेरा आइटम कहाँ है? देखिए ये सब मत बोला करिए, ये लीजिए। एक बात बताइए सर, आपके घर में कोई चिल्लाता नहीं है क्या? अबे कहीं पर एडवाइजर लगा है क्या, मुझे सलाह दे रहा है? मेरी तो किस्मत ही खराब है, आप लोगों को सुधार नहीं पाएगा। आधे फुट के अमिताभ को ये देश तो सुधर जाएगा। ए ब्लू शर्ट इधर आ, ये तेरी हरकत ना कुछ ठीक नहीं लग रही। नाम? जैक हूँ। जैक? ओ तू टाइटेनिक का हीरो है क्या बे? चल चुपचाप सही नाम बता। सर सही में मेरा नाम जैक है सर। ऐसा है, जा। ए तू, तेरा नाम विल स्मिथ है क्या? जीवा। जीवा, ठीक है जाओ। कैसे अजीब अजीब लोग हैं ये। अच्छा तू सुन, तेरा नाम क्या है? अभिमन्यु। हैं? अभिमन्यु। अभिमन्यु 25 है क्या? हाँ सर। जा। इन्होंने मुझे बिना बताए बहुत सारा पिया है, अब जो बचा खुचा है मैं ही जाकर पी लेता हूँ। मर्दों की असली चीज। ड्यूटी के वक्त पीना गलत बात है, लेकिन तू अंदर जाएगी तो किक मिलेगा। जा मेरे अंदर। है? अरे आप चैन से दारू भी नहीं पीने दोगे क्या? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मुझे बाथरूम जाना है। तो मैं आकर खोल दूं क्या? जा, पहले सीधे जाना फिर लेफ्ट लेना। खूनी को कहाँ गिरफ्तार किया था? तबेले से अरेस्ट किया था। क्या टाइम था? 10:30 या 11 बजे थे मैडम। 10:30 या 11? 11 मैडम।
पुलिस स्टेशन आने का टाइम? 12 बज गए थे मैडम। कत्ल होने का टाइम क्या था? 12 या 12:30। गुड मॉर्निंग मैडम। मैडम इसका नाम रॉयल गणेश है। नमस्ते मैडम। बता सकते हो वो तुमसे कितने दिन पहले मिलने आया था? 1 महीने पहले मैडम। क्यों आया था वो? 5 लोगों को मारना चाहता था मैडम। 7 सालों तक अंदर रहने के बाद भी सुधरा नहीं तू? ये सब काम छोड़ दिया मैडम। वो 5 लोग कौन है पता है ना? सर का नाम बताया उसने और एक डॉक्टर बताया, कह रहा था कि अभी 3 लोगों का पता लगाना है मैडम। ओके, अगर वो तुम्हें कहीं भी दिखाई दे तो मुझे इन्फॉर्म करना, समझ गए ना? ठीक है मैडम। जाओ। क्यों लेकर आए थे तुझे? चल। मैडम मुझे एक डाउट है, किसी गुंडे ने ही आकर उसका कत्ल किया होगा? नो, गुंडे लोग आकर उसका कत्ल नहीं कर सकते। रामनाथ अच्छा आदमी नहीं है, ये सब जानते हैं। है? ये बात है। सुनो ब्रिजेश। यस मैडम। आप उसे स्टेशन लेकर आए हैं, ऐसा लग नहीं रहा है। लगता है वो खुद ही आया होगा। उसने प्लान बनाकर इंस्पेक्टर रामनाथ का कत्ल किया और अगला टारगेट उस डॉक्टर का कत्ल होने से पहले हमें उसे अरेस्ट करना पड़ेगा। Excuse me, do you need any help? No, I'm fine. It's okay. Okay. No, I said I don't need any help. मेरे हस्बैंड अभी मुझे पिकअप करने आ जाएंगे। You can go. आप टीवी न्यूज वगैरह नहीं देखती हो क्या? What? इस एरिया में खड़े रहना सेफ नहीं है। अभी हाल ही में इधर मर्डर हुआ था, 2 दिन पहले ही इस इलाके में रॉबरी हुई थी, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ आप मेरे साथ चलिए, आपकी कार आपके हस्बैंड लेकर चले जाएंगे। नो, आई एम फाइन। ऐसा है तो आपके हस्बैंड आने तक मैं आपकी कार के आसपास ही रहता हूँ। इफ यू डोंट माइंड आप मेरी कार लेकर जा सकती हो। यहाँ से जाओगी तो 2 किलोमीटर की दूरी पर लेफ्ट साइड पर एक पेट्रोल पंप आएगा। You can get your help. इससे पहले हम एक दूसरे से कभी मिले हैं क्या? मुझे लग रहा है कि मैंने आपको कहीं तो देखा है, पर कहाँ देखा ये याद नहीं आ रहा। आप कार का नंबर बताइए ना, मैं अपने हस्बैंड को मैसेज कर देती हूँ, वरना वो पूछेंगे कि किसी अनजान आदमी के साथ क्यों गई। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं आपको किडनैप करके ले जा रहा हूँ? नो, डरने की जरूरत नहीं है, मेरी शादी हो गई है। सॉरी, मैंने मिसअंडरस्टैंड किया। ओह, ये आपकी वाइफ है क्या? सो ब्यूटीफुल। आपकी लव मैरिज हुई है ना? हम लोगों की भी लव मैरिज ही है। अच्छा। चलिए आपको कॉफी पिलाती हूँ। आपके हस्बैंड मानेंगे क्या? He is very sweet. I'm Vidarsha. I'm Jeeva. Take care. Okay. Thank you.
ये जूस मुझे बहुत हाय। पसंद है। हे जीवा, व्हाट अ सरप्राइज। कम कम। बैठो बैठो। अच्छा। नहीं नहीं बस। मीट माय हस्बैंड मार्टिन आनंद डॉक्टर। मार्टिन दिस इज जीवा माय फ्रेंड। नहीं नहीं सब बढ़िया। हेलो। कम ऑन जीवा जॉइन अस। इसके बाद मूवी देखने चले। हाँ मैंने भी सुना है। Where's your wife? तुम क्या खाना चाहोगे? वो मर चुकी है। Oh, what? मंगा के देखते हैं ना। 5 साल हो गए। खाओ ना। अरे शर्माओ मत। कैसे? ये काफी टेस्टी है। 3 लोगों ने मेरी आंखों के सामने उसका रेप करके उसका खून कर दिया था। That's so sad. I'm so sorry. Hey, relax, relax, relax. मुझे बहुत भूख लग रही है। इस होटल में कुछ स्पेशल हो तो प्लीज ऑर्डर करो। एक मिनट मैं लेकर आती हूँ। ओके। तुझे मैं याद हूँ क्या? अब यहाँ किस लिए आया? प्लीज मेरी वाइफ को इसमें इन्वॉल्व मत करो। उसे इस बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है? Try this soup. Thank you. अच्छा तुम्हें भी कुछ चाहिए क्या? मैं लेकर आती हूँ। कल मैं तेरे घर पर लंच के लिए आ रहा हूँ, अपनी वाइफ को बता देना। hey, तुझे क्या चाहिए? hey. Where is he? उसे कुछ अर्जेंट काम आ गया। कल लंच पे बुलाया है मैंने। So sweet. Okay. सच में? मैडम, पिछले 5 साल में जो भी लोग रामानाथन के साथ थे और वे लोग जो इस केस में इन्वॉल्व थे और वो इंस्पेक्टर जो इस केस में आखिरी वक्त था और साथ में डॉक्टर, इन सब के डिटेल्स हैं। मैडम इतने सारे लोगों में वो डॉक्टर कौन सा है ये कैसे पता चलेगा? तो क्या हम सब लोगों पे इंक्वायरी करने वाले हैं मैडम? हेलो R7 पुलिस स्टेशन। डॉक्टर शंकर, मुझे कत्ल करने की धमकी मिली है। क्या? डॉक्टर? डॉक्टर को कत्ल की धमकी? तुम लोग जान बचाने के लिए डॉक्टर बनते हो और अब हम लोगों को तुम्हारी जान बचानी पड़ेगी? मुझे जान से मारने की धमकी मिली है। हाँ, जल्दी से एड्रेस बताइए। सर मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे सिक्योरिटी चाहिए। ये नॉर्मल धमकी है, आती रहती है हम लोगों को। मैडम हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ब्रजेश मैं जो कह रही हूँ सुनो। इंस्पेक्टर की टच में रहने वाले डॉक्टर्स अपनी जान की धमकी सुनकर अपने पास के ही पुलिस स्टेशन में फोन करते हैं। केस से संबंधित होने वाला एक डॉक्टर बेकार में फंस जाएगा ये सोचकर कंप्लेंट कभी नहीं करेगा। अगर उसी डॉक्टर को पकड़ेंगे तो केस 50% सॉल्व हो जाएगा। अब तक 29 लोग कंप्लेंट कर चुके हैं, सिर्फ डॉक्टर मार्टिन ने नहीं किया है। उस खूनी का टारगेट यही हो सकता है। हेलो R7 पुलिस स्टेशन। ऐसा है क्या? ओके सर, ठीक है। मैडम अपना पूरा प्लान गड़बड़ हो गया, डॉक्टर मार्टिन ने भी कंप्लेंट कर दी, अब हम लोग क्या करें? आओ बैठो।
सुनो विदर्शा, मुझे लंच पर इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जीवा, I'm so sorry. कल रात को इन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। I'm really very sorry. सुनो मेरी बात, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मुझे बहुत सारा पैसा मिला था, लेकिन ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, कसम से मुझे पता नहीं था। मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूं, इसकी खुशी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। बहुत अच्छा घर है। मेरे ससुर जी मुझसे बार बार कहते थे, जिसके पास दिमाग होता है वो बहुत अच्छा काम करते हैं। और मेरी दिव्या को ऐसे खिलौने बहुत ज्यादा पसंद थे। वो कभी अकेले नहीं सोती थी, उसे बड़े घर पसंद थे। जब हम तिरुपति गए थे तब मैंने उसे ऐसा ही एक खिलौना लेकर दिया था। क्या चाहिए तुम्हें? क्या दे सकते हो? मनी। Stop it! तुमने कहा मुझे पैसा दोगे, कितना दोगे? 25 लाख। 50 लाख? तो कितना चाहिए तुम्हें? पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया तो अंदर चले जाओगे? पुलिस को इन्फॉर्म करके क्या बताओगे उन्हें? कि तूने गलत रिपोर्ट दी है इसलिए मैं तुझे टॉर्चर कर रहा हूं, या 30 लाख रुपए लेकर तूने गलत रिपोर्ट दी है ऐसा बोलेगा? तुम सब कुछ ले लो, ये घर, कार, हमारा सारा पैसा, सब कुछ ले लो, लेकिन इन्हें छोड़ दो प्लीज। मार्टिन, देखा तुम्हारी बीवी तुमसे कितना प्यार करती है। तुम अपने पति के लिए कुछ भी कर सकती हो और किसी भी हद तक जा सकती हो, मुझे पता है। Am I right? अब मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा अपने पति से कहो। मार्टिन, मार्टिन, तुमने जो गुनाह किया है उसकी सजा, तुमने जो गुनाह किया है उसकी सजा, सिर्फ एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए। मैं जीवा की वाइफ बनकर रहना चाहती हूँ, मैं जीवा की वाइफ बनकर रहना चाहती हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? नहीं चाहिए ना? I'm okay with it. अरे तुम पागल हो गई हो क्या? ऊपर हमारा बेडरूम है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। ऐसा मत करो प्लीज। You just shut up. तुमने जो पाप किया है उसका मुझे प्रायश्चित करना होगा। अरे सुनो, तुम ये क्या कर रही हो तुम्हें पता भी है? तुम नहीं समझोगी क्योंकि तुम यही जिंदगी जी रही हो। तुम्हें एक बात पता है, तुमने जो ड्रेस पहनी है, तुम जो खाना खाती हो, कार, बंगला, जेवर, ये पैसे, ये सब उसने मेहनत से कमाया है, नहीं दूसरों की जिंदगी बर्बाद करके कमाया हुआ है। प्लीज हम लोगों को छोड़ दो। अगर कोई तुम्हारा रेप करने आए तो तुम क्या करोगी, बताओ मुझे? उसका कत्ल करके मैं भी मर जाऊंगी। यस, 100%। ये दुनिया जो हमें देती है वही हम उसे वापस देते हैं, क्योंकि वही असली न्याय है और वही धर्म है। ऐसे देखते हुए ऐसा कुछ भी गलत नहीं है।
और तुम्हारी बीवी बहुत खूबसूरत है। इस तरह से टॉर्चर करने से अच्छा है तू मुझे मार डाल। गलत रिपोर्ट देने के लिए किसने कहा था? विदर्शा, 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 I'm sorry, विदर्शा, I'm sorry, विदर्शा, विदर्शा, I'm sorry, no, sorry. क्या रही है आखिर उनका प्लान क्या है यार? इस कबर्ड के नीचे एक मोबाइल है। ओके मैडम। निकालो उसे। इस मोबाइल में जो भी कॉन्टैक्ट्स, फोटोज, डेटा के साथ जो भी डिटेल्स हैं, मुझे वो सब चाहिए। ओके मैडम।
इसका एड्रेस मुझे चाहिए। ओके, थोड़ा वेट करो। भैया एक चाय देना। हेलो, हाँ पहुंच गया हूँ। ठीक है, मम्मी को कह देना। ठीक है, जल्दी आऊंगा। हाँ एक दोस्त मिला है। हाँ ठीक है। पानी पूरी कैसे खाते पता नहीं है? ऐसे प्यार से हाथों से उठाओ और खा लो। हेलो, ठीक है रखो। जीवा, इसका नाम है दुर्गा, कलय, शिवा, प्रिया। हाय। और ये है जीवा। हाय। मेरा मंगेतर। बाय बाय। चलो चलो। हाँ हेलो, बोलो। हाँ जीवा, तुम्हारे ससुर को चक्कर आ रहे हैं। कहाँ? एक काम कर, जल्दी से चाय की दुकान पर आ जा। आता हूँ। अभी ठीक है ना? ठीक नहीं है भाई। ससुर जी, क्या हुआ? कुछ नहीं दामाद जी, शुगर का टैबलेट खरीदने आया था और चक्कर आया तो गिर गया मैं। बस के आगे गिर जाते तो एक्सीडेंट हो जाता। आपको बाहर आने के लिए किसने कहा था? आपको कुछ हो जाता तो हम लोग भी अनाथ हो जाते। मुझसे कहना चाहिए था ना, आप भी ना। चलो अब। चलो चलो। क्या वो आपका बेटा है? नहीं डॉक्टर, मेरा दामाद है। आप बहुत खुशनसीब हैं। इस जमाने में अपने बच्चे तो माँ बाप का ख्याल रखते नहीं, और उसे देखिए, वो आपको यहाँ पर लेकर आया है। Really amazing sir, I didn't see that. क्यों दामाद जी, अगर मैं तुम्हारे ऊपर ये सब छोड़ करके चला जाऊं तो तुम बताओ क्या करोगे? ससुर जी, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर यमराज भी आया तो मैं उससे आपको बचा लूंगा। सच कह रहा हूँ ससुर जी। मेरे हर जन्म में तुम ही मेरे दामाद बनना। कितना हुआ? ये लो। जहिन, आपने जो फोन दिया था उसकी डिटेल्स, ऐसा लग रहा है कि इसमें किसी भी अनजान आदमी को फोन नहीं किया था। बट उनका फोन दोबारा ट्रैक करने से पता चला है, हरीश नाम के व्यक्ति के अकाउंट से 5 साल 3 महीने पहले 20 लाख एक डॉक्टर को ट्रांसफर हुए हैं। उसी अकाउंट से उसी दिन उसी वक्त अपने इंस्पेक्टर रामनाथ को भी 20 लाख रुपए ट्रांसफर हुए हैं, और उसकी सारी डिटेल इसमें है। ये हरीश कौन है? हेल्थ मिनिस्टर का पीए है मैडम। अमाउंट रेडी है? हाँ रेडी है सर। लाओ ये लीजिए, ट्रांसफर ऑर्डर कर दूंगा। ठीक है ना, जाओ। थैंक यू सर। नमस्ते भाई, अपने बाहर के मैटर का क्या हुआ भाई? हाँ, कानून के हिसाब से स्कूल के 100 मीटर की दूरी पर रहता है वो। चल वो सब छोड़, तू एक काम कर, उसको तू तू चौथी गली में लेकर आना, वहीं मिलता हूँ मैं। ठीक है? हाँ
ठीक है भाई। ओके हाँ ओके चलो मिलते हैं। चल ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो तुम लोग? अच्छा हूँ सर। भाई के लिए कॉलेज का सीट चाहिए था सर। हाँ सर आप कुछ कीजिए ना। वो सब मैं देख लूंगा। जल्दी से लेकर दे दीजिए सर। बाय सर। ओके हाँ भाई अभी थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। सब कुछ रेडी है ना? हाँ 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 बोलिए मैडम। अपने सर से बोलिए मैडम मिलने आई है। ओके आप थोड़ा वेट कीजिए। आइए मैडम बैठिए। हेलो सर। बैठिए। हमेशा मेरे घर में आपके डिपार्टमेंट के आदमी लोग प्रमोशन या ट्रांसफर के लिए आते हैं। आप किस काम के लिए आई हैं? बस कीजिए सर, मुझे उन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं। मैं यहाँ पर आई हूँ ताकि आपके पीए हरीश के बारे में इंक्वायरी कर सकूं। उसे काम छोड़े यहाँ 2 साल हो गए। मेरा सारा पैसा लेकर भाग गया था, इसीलिए मेरा नाम बहुत बदनाम हुआ और उसके ऊपर मैंने धोखाधड़ी और चीटिंग का केस भी फाइल कर रखा है। अब मेरा और उसके बीच में कोई भी संबंध नहीं है। डैड। बोलो बेटा। आज मेरी कार ले लो, मैं आपकी कार लेकर जाता हूँ। ठीक है लेकर जाओ। बाय डैड। मेरा एक ही बेटा है कमलेश, मेरी राजनीति का भविष्य यही है। आपके डिपार्टमेंट में कल ये मिनिस्टर बनकर आ सकता है। गरीब लड़के मजदूर बनेंगे और अमीरों के बच्चे हर चीज के मालिक बनेंगे। सिर्फ अमीरों के बच्चे ही मिनिस्टर बनेंगे क्या? ये क्या है सर, आपको परंपरा की बीमारी है? हमेशा जनता हाथ बांध कर रहेगी ऐसा मत सोचिएगा। प्रतिनिधि जनता के सामने हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। और आप हरीश के बारे में बता रहे थे कि वो 2 साल पहले काम छोड़कर चला गया, लेकिन 2 दिन पहले ही 6 बार उनको कॉल किया उसने। उसमें से लास्ट कॉल 25 मिनट्स 36 सेकंड्स की है। सुनो लगता है सर डर गए, उन्हें कुछ खिला दो। मैडम। मैडम मिनिस्टर का पीए हरीश ट्रेन एक्सीडेंट में मर गया है। मैडम सो हरीश ट्रेन एक्सीडेंट में मर गया है। पुलिस हर समय इंक्वायरी करती रहेगी ऐसा मत सोचना। Thank you.
ए, तूने अपने फोन को स्विच ऑफ क्यों कर लिया? पुलिस मेरे घर आकर तेरे बारे में इंक्वायरी कर रही थी, कहाँ है तू? बेवजह किसी प्रॉब्लम में फंस मत जाना। तू ठीक है? तुझसे जरूरी बात करनी है। अपने पुराने अड्डे पर आ जा। हेलो डैड। अभी कहाँ है तू? फ्रेंड के साथ बाहर आया हूँ। अपना हरीश ट्रेन एक्सीडेंट में मर गया है। क्या बोल रहे हो डैड? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तुम तुरंत घर आ जाओ। हरीश मर गया। ए, अपना हरीश मर गया है। कैसे यार? डॉक्टर मार्टिन के अकाउंट में और इंस्पेक्टर राजनाथन के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होने से दो दिन पहले ही उन्होंने रेप और मर्डर किया था मैडम। हाँ मैडम, उस मैटर में एक लड़की की जान बच गई थी। उसका नाम था जीवा। जीवा? बोलिए। उसके बारे में सब लोगों से बातचीत कर ली है मैडम। पुलिस वालों ने उसके फ्रेंड से बात की, लेकिन उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली मैडम। एक मिनट। हेलो। हेलो, आप जिस अपराधी को ढूंढ रहे हैं वो जीवा मैं ही हूँ। आप मेरे घर के सामने खड़े होकर बातें कर रही हो, ये मुझे अच्छी तरह से पता है। जीवा, मुझे तुम्हारी पूरी कहानी पता है, सब जानती हूँ मैं। पुलिस से तुम्हें इतना डर है? जी हाँ, पर एक जमाने में था, अब नहीं। तो फिर तुम चुप चुप क्यों रहते हो? ऐसी बात नहीं है, क्या आपको वो खेल पता है जिसमें हम जागे रहते हैं लेकिन आंखें बंद करके और पास में छिपने वाले को ढूंढ निकालते हैं? और ये गेम वही है जो आप और मैं खेल रहे हैं। छुप कर मैं बैठा हूँ और आप मुझे ढूंढ रही हो, देखते हैं कब ढूंढ पाती हो मुझे। अगर तुम छुपे हुए हो तो मैं सामने खड़ी हूँ। घुटने टेकने से तो बेहतर है कि मैं सीना चौड़ा करके मर जाऊँ। आप एक काबिल पुलिस वाली हो ऐसा मैंने सुना है, इसलिए आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट रखा है, मेरे दरवाजे पर लटक रहा है। इसमें क्या है मुझे देखना है। ये कौन है पता लगाओ। मैं याद हूँ तुझे? Ooh.
तूने क्यों किया ऐसा? तुम लोगों ने मेरी जिंदगी को तबाह कर दिया। सच बताओ, तुम लोगों ने क्यों किया ऐसा? नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, मैं सब कुछ बताता हूँ। उस दिन मेरे फ्रेंड कमलेश का बर्थडे था, हम लोग बर्थडे का पोस्टर लगा रहे थे, तभी यहाँ पर एक भी जगह छूटनी नहीं चाहिए, सभी जगह चिपका दो। हेलो, ये तुम क्या कर रहे हो? उस पोस्टर को क्यों फाड़ रहे हो? ए, यहाँ कोई जगह छूटनी नहीं चाहिए। यहाँ पर मेरे फ्रेंड के बर्थडे का फोटो दिखना चाहिए। वो मेरे मंगेतर हैं और हम दोनों बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। अगर इन पोस्टर्स को किसी ने भी हाथ लगाने की जरूरत की तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अगर तुझे हाथ लगाया तो चलेगा क्या? बदतमीज। सुपर यार, सही काम किया। अभी कैसा लग रहा है? सुपर यार, कमाल कर दिया। खत्म कर दूंगी, संभल के रहना। हे आजा। हम लोगों ने जो किया वो गलत था, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। माफी चाहिए? जो अनजाने में करते हैं वो गलती होती है, उसे माफी दी जाती है। जो जानबूझकर गलती करते हैं उसे माफी नहीं मिलती। नहीं 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 नहीं, प्लीज नहीं नहीं नहीं, प्लीज। जीवा नाम का कोई है क्या यहाँ पर? 201। हाँ जा
वही ना, मैं अभी पहुंच जाऊंगा। मैडम 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 मैं पुलिस हूं। अरे मेरी बाइक, अरे कहां ले जा रहे हैं? गलती के ऊपर गलती की है तुमने, अब तुम मेरे हाथों से बच नहीं सकते। मैडम, गलती करने वाले लोग खुलेआम रोड पर घूम रहे हैं, अगर मैं उन्हें सजा दूंगा तो क्या गलत हुआ? पहले तुम ये सब कुछ बंद करो, बाकी बचे दो लोगों को मैं सजा दिलवाऊंगी। कौन सी सेंचुरी में हो मैडम आप? सिस्टम करप्ट हुए बहुत साल हो गए हैं, अब कोई भी ऊपर वाले से नहीं डरता है, इसलिए मैं खूनी बन गया। इन क्रिमिनल्स के लिए मैं डेविल हूँ। अगर कोई जानवर हमें काट लेता है तो हम उसे पलट के काटते नहीं हैं। जब हम गली से निकलते हैं तो जानवर हमें काटने आए तो हम उसे पत्थर मारते हैं। इसी तरह दो आदमी अपने साथियों के साथ मेरे घर पर आकर मेरी ही मंगेतर के साथ इतना सब गलत किया, एक लड़की के लिए ऐसी मौत। इन लोगों ने उसे कितना दर्द दिया होगा ये आप तो अच्छी तरह समझ सकती हो ना मैडम। मैं उसे कभी भुला नहीं पाऊंगा। उन सभी जानवरों को मैं मारूंगा। अगर कोई भी मुझे अपराधी बोलेगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब न्याय धर्म इस दुनिया में नहीं रहा और जिन लोगों में इंसानियत नहीं है उन लोगों के बीच मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं है। मणि, इसे प्ले करो। छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। प्लीज 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 छोड़ दो मुझे, मेरी बात सुनो। मैंने जो गलती की है उसके लिए माफी मांगता हूं। गलती करने वाले को ज्यादा से ज्यादा क्या सजा दी जाती है तुझे पता है? जब वो सुधर कर माफी मांगकर रोता है ना, तब उसे रिजेक्ट कर देना। प्लीज प्लीज छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। मणि। मैडम, नेक्स्ट टाइम तो डीवीडी नहीं मंगाई थी, तो इस बार डीवीडी का क्या काम है? पहले तुम डीवीडी लेकर आओ। Thank you.
ये किधर गया? ए, ए, उठो। हेलो कमलेश, तुम्हें पुलिस अरेस्ट करने आ रही है। कौन है रितु? अभी तुम्हें बताना जरूरी नहीं है, तुम्हें पुलिस से बचाना जरूरी है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो खिड़की को खोल कर देखो। ए आयशा, आयशा उठ जाओ, उठ जाओ आयशा, उठो उठो। अरे उठो आयशा, उठो। चलो उठो, उठो। ए उठ जा, गाड़ी निकाल। अभी कौन हो तुम? इसमें कितनी बुलेट है पता नहीं, लेकिन तुझे मारने के लिए काफी है। जल्दी गाड़ी चला। कुछ मत करना, कुछ मत करना। ओके, कुछ मत करना, जल्दी। नीचे उतर। अरे नीचे उतर, जल्दी आ, इधर आजा, आना, घुटने पर बैठ जा वरना तेरी खोपड़ी खोल डालूंगा। ब्रो, आई एम इम्प्रेस्ड ब्रो। वैसे तुम हो कौन? गन को नीचे कर तब पता चलेगा, थोड़ा पलट कर देख। ए? 5 साल पहले तूने जो गलती की थी याद है तुझे? भूल याद हूं कि नहीं? Thank you.
अपने लड़कों से कहा था तेरी वाली के बारे में, वो एकदम चौंक गए थे। अच्छा एक बात बता, अजगर की कहानी पता है तुझे? अजगर ना खाना अपने पेट में इकट्ठा करके रखता है और थोड़ा थोड़ा खाता रहता है। मैं बिल्कुल वैसा ही हूं, लेकिन तेरी वाली के साथ थोड़ा मिस हो गया था। अगर वो जिंदा रहती ना तो वो रोज इस अजगर का शिकार बनती। ए, ये जिंदगी में अपनी बीवी और अपने ससुर की वजह से जी रहा था, पर तुम लोगों ने सब कुछ तबाह कर दिया। ए, रुक रहे, क्या तू बड़ा बीबी बीबी करता रहता है? उसके शरीर पर कहां कहां तिल थे तुझे पता है क्या? उसे अंदर ले जाकर क्या किया तुझे पता है क्या? बड़ा इज्जत से बात कर रहा हूं, आजा। ए, लड़की के जन्म होने के बाद आस पड़ोस के घर से शुरुआत करके स्कूल कॉलेज नौकरी सब जगह तुम लोग उनका बस पीछा करते हो, और अब तो तुम उनके घर में भी घुस गए। अब वो लोग कहाँ जाएंगे? इस समस्या का हल अब यही होगा कि लड़की लोगों को अगर बाहर आना है तो बदलना उनको नहीं तुम जैसे लोगों को होगा। नहीं, प्लीज प्लीज मुझे कुछ मत करना, प्लीज मुझे कुछ मत करना प्लीज यार। इस तरह मेरी दिव्या तेरे सामने गिड़गिड़ाकर रोई होगी। नहीं नहीं प्लीज ऐसे मत करो प्लीज, गलती की है मैंने, बहुत बड़ी गलती की है। उस दिन इसी तरह मुझे भी बांध कर रखा था ना तुम लोगों ने। प्लीज प्लीज गलती की है मैंने, बहुत बड़ी गलती की है, मैंने जो किया बहुत गलत किया। वेलकम इंस्पेक्टर। अगर मैं चाहती तो तुम्हें कब का अरेस्ट कर लेती, पर मैं तुम्हें अरेस्ट करने के लिए नहीं आई हूँ। मैं आज यहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर बनकर नहीं आई, एक लड़की बनकर आई हूँ। अगर मेरी बहन होती और उसके साथ ऐसा हादसा होता तो मैं एक लड़की होने के नाते उनके टुकड़े टुकड़े कर देती। इन तीन लोगों के ऊपर कितने सारे रेप केसेस हैं पता है? उनमें से एक 8 साल की लड़की भी थी। मेरी नजर में तुमने जो किया वो बिल्कुल सही था। इन लोगों को अगर अंदर भी कर देती ना तो पैसों के दम पर छूट ही जाते। इन कमीनों की वजह से जिंदगी में कितनी बार हार चुकी हूँ पता है तुम्हें? गलती करने वालों को कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए, लेकिन कानून ने मेरी कोई मदद नहीं की, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। अगर मुझे सजा नहीं मिली तो मेरे जैसे कई और बन जाएंगे, इसलिए मुझे अरेस्ट कर लीजिए। देश के अंदर कोई ना आ पाए इसलिए बॉर्डर पर हर रोज लड़ाई होती है, वो गलत नहीं है, लेकिन यहाँ अपने घर के अंदर कोई जबरदस्ती घुसेगा
तो उनसे सवाल पूछो तो गलत है। मेरी नजर में हमारे घर के अंदर डराने वाला एक छोटा सा कॉकरोच भी एक आतंकवादी है। द सिस्टम मस्ट चेंज। गलती करने वालों को सजा मिलनी ही चाहिए। मैं तुम्हें 2 मिनट का मौका देती हूँ, यहाँ से भाग जाओ। कोई और आए उससे पहले भाग जाओ। जीवा, एक मिनट। कत्ल के वक्त ये चीज वहां मिली थी। अब हाथ में राखी बांधा है ना, अब मेरी रक्षा करो। जल्दी जाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। हाँ सर, मैंने रिपोर्ट दिखाई थी। जी जी, हमारी बाइक चोरी हो गई है। इन दोनों का क्या केस है? चेन स्नैचिंग का केस है। उनको यहाँ बुलाइए। हाँ सर। मैंने उन लोगों को यहाँ लेकर आओ। आ जाओ। नमस्ते मैडम। कितने पढ़े लिखे हो तुम लोग? MBA मैडम। तुम लोग पढ़े लिखे होकर ये काम क्यों करते हो? जो पढ़ाई की उसके हिसाब से नौकरी नहीं मिली। मेरे घर में बहुत समस्या है मैडम। जो पढ़ाई की उसके हिसाब से अगर नौकरी चाहिए तो इस देश में आधे लोग बिना नौकरी के घूमते रहेंगे। अगर कोई मौका नहीं मिलता है तो उस मौके को हमें खुद ही बनाना पड़ता है। रुको पहले। सर ले लीजिए, ले लीजिए। यहाँ से कुछ नहीं होगा, वहाँ से हेलमेट खरीद कर जाओ, वहाँ से हेलमेट लेके जाओ। जाओ। मणि। मैडम। बिना हेलमेट वाले लोगों को यहाँ बुलाकर हेलमेट पहना कर ही भेजना। जी मैडम। भाई। हाँ मिलते हैं। हाँ जरूर। बाय। गुड इवनिंग, फास्ट राइड पिकअप है या ड्रॉप सर? हेलो, भैया मैं दिव्या बोल रही हूँ। Thank you.